अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लगते हैं मेरा 42 शुरू करेंगे CS304 का। ठीक है इंशाल्लाह मैं इसमें 42 से लेकर 45 तक सारे कवर करवा दूंगा मैं लेक्चर। ठीक है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आइटरेटर्स, हमने पहले भी आइटरेटर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने ओवर लिया था कि आइटरेटर होता है क्या है। उसके साथ हमने कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे आइटरेटर के बारे में। आई होप आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है दोबारा से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। और आइटरेटर का आइटरेटर कैसे हमने बता दिया था कि आइटरेटर क्या होता है, एक आप कह सकते हैं अनऑर्डर अरे को अनऑर्डर अरे को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आइटरेटर। अब उसके साथ आइटरेटर कुछ आप कह सकते हैं एग्जाम है, वैसे काइंड कह सकते हैं उसे। इनपुट आइटरेटर होता है, आउटपुट होता है, फॉरवर्ड होता है, बाई डायरेक्शन होता है और रैंडम एक्सेस होता है। ठीक है क्या क्या कौन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड बाई डायरेक्शन और रैंडम एक्सेस। अब इनपुट का मतलब क्या है, आउटपुट का मतलब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट। इनपुट आप कह सकते हैं जैसे कि CIN जो हम इस्तेमाल करते हैं C++ के अंदर, हम उसको इस्तेमाल करके अपने अरेज को इंफॉर्मेशन देना। आउटपुट में आइटरेटर में क्या होता है, हमारे पास सी आउट को यूज करते हुए अपने आइटरेटर को यूज करना। रेफावर आइटरेटर का मतलब क्या होता है, ऐसी अरे बनाना कि वो अपनी जैसे कहते हैं ना, वो सिर्फ इंक्रीमेंट ही हो, उसमें सिर्फ वो सिर्फ क्या हो, इंक्रीमेंट ही हो, वो डिक्रीमेंट ना करे, उसका एड्रेस क्या हो, बैकवर्ड ना चले। ठीक है ना, अगर मैं इस्तेमाल करूँगा ए माइनस माइनस या फिर कोई भी एक आई माइनस में लिखा मैंने, यानी कि डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया, तो वो डिक्रीमेंट ना हो। ठीक है ना, उसे फॉरवर्ड कहते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या, जो डिक्रीमेंट भी हो सकता है और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। रैंडम एक्सेस आइटरेटर का मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड और बाई डायरेक्शनल मिक्स कर दो तो हमारे पास क्या बनता है, रैंडम एक्सेस। ठीक है ना, वैसे हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट आइटरेटर होता है वो रैंडम एक्सेस ही होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, आप कह सकते हैं जो एक्टिवेट होता है, जो हमारे पास C++ का न्यू वर्जन है उसमें हमारे पास जो ना मोस्टली वो बाय डायरेक्शनल ही होता है। वो अपनी मर्जी से, यानी कि यूजर डिफाइंड के तौर पर हम मर्जी से कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस लगा तो वो भी चलेगा, माइनस माइनस लगा तो वो भी चलेगा। ठीक है अच्छा जी, अब मैं आपको ये सारे टॉपिक जो ना हैंड नोट से भी कवर करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे रहूँगा जावा डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आइटरेटर के बारे में वही चीज़ देखी हुई जो मैंने आपको बताया। आइटरेटर इस्तेमाल करने के लिए हम क्या सबसे पहले इंक्लूड करेंगे, हैश टैग इंक्लूड आइटरेटर। अगर मैं वैक्टर इस्तेमाल करूँ, वैक्टर हमारे पास क्या था, एक क्या है ये, एक हमारे पास सिक्वेंशियल कंटेनर है। कौन सा कंटेनर है, ये सिक्वेंशियल कंटेनर जो हमारे पास सिक्वेंस में वैल्यू निकाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक लाइब्रेरी इंक्लूड के लिए कौन से वैक्टर की, आइटरेटर की, आईओ स्ट्रीम की। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास वेक्टर इंक्लूड हो गए, ये खाली एसटीडी को अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कर लें, हमारे पास प्रोग्राम यहाँ शुरू होगा। एक हमारे पास वेक्टर बना, देखो थोड़ा बस उसको जूम कर लेते करके, वेक्टर बना हुआ हमारे पास। वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यू सेंटर में, हमारे पास 5 अरे, यानी कि 5 वैल्यू है एक अरे की। ठीक है ना, और वो अरे हमारे पास किस फॉर्मेशन में बना हुआ है, वेक्टर ऑफ इंटीजर, वेक्टर ऑफ इंटीजर। हमने क्या किया, वेक्टर के साथ आइटरेटर लगा दिया। आइटरेटर का फायदा क्या होगा, हमारे पास अगर ये अनऑर्डर अरे भी होगी ना तो हमारे पास ये इसका आउटपुट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम उसको अगर ये वेक्टर है और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आइटरेटर के अंदर। आइटरेटर क्या होता है, उसे कन्वर्ट कर देता है किसी ना किसी एक पॉइंटर के अंदर। आइटरेटर वैसे होता ही पॉइंटर रेफरेंसिंग के साथ काम करता है हमारे पास। ठीक है, आइटरेटर जो होता है ना हमारे पास बेसिकली किसी ना किसी एक पॉइंटर के साथ ही काम करता है। ठीक है, सेम एटीज हमारे पास देखे आइटरेटर का हमने ITR बनाया, यहाँ पर बनाया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें ITR के अंदर हमने क्या लिखा, वी डॉट बिगिन। वी डॉट बिगिन का मतलब क्या है, ये वी है जो हमने एक वेक्टर बनाया था, उसकी जो बिगिन वैल्यू का मतलब क्या है, वन। ठीक है ना, वन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, यानी कि जो उसके एड्रेस होगा, वी डॉट बिगिन का मतलब क्या है, जो इसके अरे की फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये अरे जो है खत्म ना हो जाए, यानी कि ITR नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड। इसका मतलब क्या, जब तक ये इसके एंडिंग पॉइंट तक अप्रोच ना कर जाए, इसके एंडिंग पॉइंट की वैल्यू के एड्रेस तक अप्रोच ना कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ITR प्लस प्लस करते हैं, सिंपल से हमने यहाँ पे लिखा है ये वापस साइन होता है स्टैटिक साइन और ITR। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट होगी। ये वहाँ आइटरेटर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने ज़्यादा टाइम इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अभी ओवरव्यू बढ़ चुके हैं सब चीज़ें, किसके अंदर लेक्चर नंबर 41 बढ़ चुके हैं। वही चीज़ आगे आइटरेटर के कुछ एग्जाम होते हैं, इनपुट आइटरेटर, आउटपुट, फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शनल, रैंडम एक्सेस। ठीक है ना, बाय डायरेक्शनल के अंदर पर लिस्ट आता है, सेट आता है, मल्टी सेट आता है, मैप आता है, मल्टी मैप आता है। मैप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 40 में।
41 में मैप पढ़े थे हमने, ठीक है। लिस्ट ट्राई किया, सेट ट्राई किया, मल्टी सेट ट्राई किया, मल्टी मैप लग गया, ठीक है। रैंडम एक्सेस के अंदर वापस कौन सा आता है, वैक्टर डी क्यू और अरे, ठीक है ना। वहाँ वैक्टर आता है डी क्यू और अरे आता है वहाँ पे, एक क्यू यू होता है, क्यू यू ई, ये देखना इसे स्पेलिंग होता है वहाँ पर, ये वाले ये स्पेलिंग होते हैं, उससे हम कभी डी क्यू भी बढ़ते होते हैं वापस। क्लियर हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ टॉपिक्स में, आता हूँ आइटरेटर के, या आइटरेटर यहाँ हमारे पास सबसे पहले आता है बाई डायरेक्शनल आइटरेटर। बाई डायरेक्शनल आइटरेटर वापस क्या आता था, वैक्टर आता है, लिस्ट आता है, ठीक है ना, और डी क्यू आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर से प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तभी उसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। चाहे इसकी डायग्राम बनी हो, ये बने हुए आप डायग्राम यहाँ पर, शायद उन्होंने लिखे हो फीचर्स के अंदर उसके अंदर। हाँ जी, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा ना, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड विद टू डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। क्लियर हो गया। जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ें कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ हम इसको उस करके भी लिख सकते हैं, इस करके भी लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन हम फॉरवर्ड में इस करके नहीं लिख सकते हैं। अभी हम अपने फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, वही चीज़ बना, वैक्टर बना है, वैक्टर के अंदर कितने अरे के उसे हुए, 5 से हुए, वैक्टर के अंदर एक और आइटरेटर आ गया, हमने एक न्यू वैक्टर, ये कहलाता है वैक्टर है, ये कहलाता है वैक्टर है, ये कहलाता है वैक्टर है, यहाँ पे याद रखना है, ये वैक्टर बना वापस एक डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या किया, इस वैक्टर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक आइटरेटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, उसको रिवर्स भी कर दिया साथ साथ, हमने ये वाली वैल्यूज को यहाँ पर एक रिवर्स आइटरेटर का एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। जारी बात है, आप सपोज करें आपको नहीं पता कि मैं जो हूँ अब वैक्टर की वैल्यूज को रिवर्स कैसे करूँ, सिंपल सा लिखे भाई, वैक्टर रिवर्स, ठीक है ना, सी प्लस प्लस, आपको इसका फंक्शन मिल जाएगा। ये मैंने एक ग्रैपर एक्सटेंशन की हुई है जिसकी वजह से मेरे पास ये सर का आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया फंक्शन रिवर्स, ठीक है। अगर हमने आइटरेटर यूज़ किया वैक्टर, अगर हमने वो आइटरेटर से लिखा ना, वैक्टर आइटरेटर रिवर्स, अभी आ जाएगा वापस, ठीक है ना, वापस आ गया ये वाला रिवर्स आइटरेटर की ग्रैपर की वजह से मेरे पास आ रहा है यहाँ पर कोड। आप बेशक अगर आपको, अगर आपके पास इसका कोड नहीं आ रहा, असंपा से यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो में चले जाए या फिर इसमें चले जाए, आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। इसी प्लस वेबसाइट इसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ना, ये वहाँ वैक्टर बना, वैक्टर से आपने क्या लगाना है, स्कोप प्रेसिशन ऑपरेटर, और फिर इसके साथ लिख देना आपने रिवर्स आइटरेटर, रिवर्स आइटरेटर आगे वहाँ पर उस ये वाले पूरे का नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम रख सकते हैं, आई लिखना है, आई टी लिखना है, जो उसे लिख लें, ठीक है ना। तो वहाँ पर इसका हो जाएगी, इसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। सेम मैटर अगर हम यहाँ पर देखें, वही लिखा है वैक्टर इंटीजर, जो हमारे ऊपर डिक्लेयर हुआ है, वैक्टर इंटीजर रिवर्स आइटरेटर आ गया, वापस रिवर्स आइटरेटर का नाम आ गया, ठीक है। सेम आइटे आइटरेटर बनाया, आइटरेटर का नाम आ गया, वैक्टर बनाया, वैक्टर का नाम क्या है, वापस वी है, उसके अंदर वैल्यूज कितनी आ रही है, 5 आ रही है। क्लियर हो गया, 5 आ रही है इसकी वैल्यू। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो ओरिजिनल वैक्टर है उससे प्रिंट किया, यानी कि ओरिजिनल वैक्टर के यहाँ पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने किसको प्रिंट किया, हमने जो था उसके बाद प्रिंट किया आर बिगिन को। आर बिगिन का मतलब क्या है, रिवर्स बिगिन, हमने रिवर्स कर लिया ना उसको, रिवर्स करने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे आर बिगन। आर बिगन से क्या होगा, जो रिवर्स हुई है वैल्यूज उसके लिहाज से ही चलेगा, ठीक है ना, आर टी आर, ठीक है ना, जो रिवर्स हुआ है उसमें आपने इस्तेमाल करना है आर बिगन, अगर रिवर्स नहीं हुआ तो उसमें क्या लिखोगे, खाली बिगन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिवर्स होगी, क्लियर हो गई चीज, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हमारे पास है इसी के अंदर आप कह सकते हैं कुछ वैलिडेशंस है, कुछ इसके नोटिस है, नोटिस से हम क्या मुराद है, नहीं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। अच्छा जी, अब ऐसे कि यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू बी, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ओके। अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन हमारे पास क्या है, ये वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन ये लेस हो रहा है, लेस इक्वल टू बी, लेस इक्वल टू, या तो इक्वल होगा बस, हम एट ए टाइम एक सिंगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे ए इक्वल टू बी, यहाँ मल्टीपल नहीं क्रिएट कर सकते, यहाँ मल्टीपल हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है लेस देन भी है और क्या इक्वल भी है, हम इसको स्ट्रगल चेक नहीं कर सकते। सेम एट इज हम इसके अंदर प्लस टू नहीं कर सकते ना प्लस वन कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का मतलब भी तो होता है ये चीज़, ठीक है ना।
अभी जो जैसे कि मैंने सवाल किया कि हम तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो है ना +1 +1, तो इसका मतलब तो हम ये क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ये इस्तेमाल इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी प्लस यानी कि 1। ठीक है, आप सोच रहे हैं ये क्या इलॉजिकल बात होगी, वो प्लस प्लस भी तो 1 होता है, वो प्लस प्लस वहाँ पास एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, ये हमारे पास क्या एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, जबकि ये चीज़ हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं, ये चीज़ें हम ओवरलोड कर सकते हैं किसी भी ऐसा कहते हैं ना हमने पढ़ा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, जबकि ये हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, इसमें हम क्या कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। करिए तो समझ आ गया आपको? अच्छा, ये आगे हमारे पास है, इसके अंदर आप कह सकते हो आइटरेटर का अंदर आइटरेटर टॉपिक का आइटरेटर टॉपिक, या फॉरवर्ड आइटरेटर। फॉरवर्ड आइटरेटर का मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइडायरेक्शनल रैंडम एक्सेस आइटरेटर। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा। अब आप कोर्स में पढ़े होंगे अभी तक, अभी मैं कह रहा हूँ ये बाइडायरेक्शनल रैंडम एक्सेस का आइटरेटर है तो फिर ये डिक्रीमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम फॉरवर्ड आइटरेटर है। ओके, फॉरवर्ड आइटरेटर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ पीछे नहीं आ सकता, ये पीछे जाएगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक कॉपी का स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास कॉपी असाइनमेंट होता है और साथ से इंक्रीमेंट हो सकता है इस तरह करके। देख रहे हैं इसमें पर नेगेटिव वाला कुछ भी नहीं आ रहा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या होगा, बैकवर्ड चले जाएगा, बैकवर्ड इसके अंदर क्वालिटी है ही नहीं। ओके, अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपने फॉरवर्ड आइटरेटर बनाना है, यहाँ पर फॉरवर्ड आइटरेटर का एक टेम्पलेट बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है डिस्प्ले फंक्शन का देख, पास हो गया फॉरवर्ड आइटरेटर फर्स्ट, फॉरवर्ड आइटरेटर लास्ट, ये वहाँ पर टेम्पलेट क्लास का बना हुआ है। फॉरवर्ड आइटरेटर की जगह यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, मजदूरी नहीं क्या यहाँ पर ही लिखे। ठीक है, ये बेसिक समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना फॉरवर्ड आइटरेटर का कोई डाटा बेस के अंदर रहेगा कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पर असल जो हमारे पास काम होगा ना वो यहाँ पर होगा, जैसे कि व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप की जगह फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये कंडीशन है, ये यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है, आउटपुट आ रहा है, ये फॉर लूप वाले काम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली ये हमारे पास जो है ना मेन फॉरवर्ड आइटरेटर है, ये कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या है आई की वैल्यू अब 1 है, कहाँ तक जा रहा है ये 10 तक जा रहा है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जाएगा ये लूप, ये आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो वेक्टर ए है उसके अंदर पुश बैक हो रही है आई की वैल्यू, पुश बैक का मतलब क्या है, जो आई की वैल्यू 1 है तो 1 सेव हो जाएगा वेक्टर के अंदर, 2 आ गया 2 सेव हो जाएगा 1 के बाद, 3 आ गया 3 का सेव होगा 1 2 3 के बाद, 1 2 के बाद सॉरी। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ओके, हमने क्या किया डिस्प्ले के अंदर ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड का मतलब क्या है, ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अपनी लिमिटेशन लगाई है। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास अरे कहाँ से स्टार्ट हुआ और अरे कहाँ पर ख़त्म हुआ। ओके, ताकि हमारे पास क्या हो ये कंडीशन फुलफिल हो सके, जैसे कि फॉर लूप में आम रूटीन में बनाते होते हैं हम, लिखते होते हैं कि हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी कहाँ तक जाएगी, उसके एंड तक जाएगी, और आई की वैल्यू क्या होगी उसके बिगिन, यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, यहाँ बस घुमा फिरा के लिखा हुआ कुछ भी नहीं। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ गई है, लिमिटेशन के अंदर यहाँ पर उसका नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं हो सकता, और ये वहाँ पर इस तरह करके कि ऑलमोस्ट आइटरेटर के अंदर हम इस तरह करके लिख ही नहीं सकते, किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हम उसको प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आप कह सकते हो एक एड्रेस है ना, एड्रेस में प्लस टू किसी ना किसी पॉइंटर के साथ काम करता है, ये वहाँ पॉइंटर तो है लेकिन ये एक अरे का पॉइंटर है जिसकी वजह से हम इसके अंदर ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, अब आगे हमारे पास है फॉरवर्ड आइटरेटर भी, हो गया आगे हमारे पास इनपुट आइटरेटर है, इनपुट आइटरेटर आप सोच रहे होंगे इसके अंदर हम सिर्फ इनपुट ही करेंगे, जैसे कि हम आमतौर पर जैसे सी आई एन लिखते होते हैं, इसमें वैसा नहीं होता, इसमें हमारे पास सी आई एन होगा लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे पास कंटेनर के ऊपर, आइटरेटर के ऊपर, क्या हम ड्राइव कर लें वैल्यू या फिर हम उसको रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं वैल्यू। ओके, क्योंकि ये हमारे पास वन वे आइटरेटर है, या तो वो आउटपुट करेगा या तो वो इनपुट करेगा। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, ये आपको याद होगा ये सिंटेक्स किसका है, जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं आपको याद है, या तो उसको उस तरह करके लिख लो या तो उसको उस तरह करके लिख लो, आपको ये चीज़ें याद है जैसे हमने क्लासेस वगैरह में की थी, हम यहाँ पर इसको उस तरह करके लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, उसको हम इस तरह कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम में हमारे पास क्या है कि
दो वेक्टर बने, एक वेक्टर बना हुआ है, पांच वैल्यूज का तो सेम है। आइटरेटर हमने कितने बनाए इसके, इसके आइटरेटर बनाए हैं हमने दो, एक आइटरेटर और एक ITR1 के नाम से, एक ITR और एक ITR1 के नाम से हमने ITR जो लिखा हुआ ये वाला जो हमारे पास है, आप कह सकते हो ITR, इसका हमने क्या कर दिया, वी डॉट बिगिन। वी डॉट बिगिन का मतलब क्या, इसके अंदर हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेव है, ओके। और जो ITR1 है इसमें वापस प्लस वन हो रहा है, वी डॉट बिगिन प्लस वन, इसका मतलब है कि जो इसका एड्रेस है शुरू वाले का, वी डॉट बिगिन प्लस वन का मतलब है जो इसका शुरू वाले का एड्रेस है, यानी कि वन का एड्रेस उसमें प्लस वन कर दो, यानी कौन से वाले सेव होगी, टू, यहाँ पे का सेव है टू, सेव है टू का एड्रेस सेव है, इधर किसका एड्रेस सेव है वन का। आप सोच रहे हो तो भाई सर अभी तो मैंने मना करा है, यहाँ पर प्लस वन ही नहीं कर सकते, यहाँ प्लस वन क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर लेकर प्लस वन लिखा हुआ है। वो डिपेंड करता है हम कौन सा आइटरेटर यूज़ कर रहे हैं, आइटरेटर भी यहाँ पर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आइटरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको रिवर्स बना दूँ, आप कोई भी एक फार्मर टाइप बना दो, फार्मर टाइप में नहीं कर सकते, या फिर किसी और में नहीं कर सकते, ये वहाँ पर कौन सा है इनपुट वाला, ओके। अब यहाँ पर देखिए ITR इजिकल टू ITR1, ओके, यानी कि क्या इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। हमने बेसिकली प्रोग्राम ये है, ये प्रोग्राम क्या है, जो एड्रेस वन है क्या वो एड्रेस टू के बराबर है, जो एड्रेस वन की वैल्यू है क्या वो एड्रेस टू के वैल्यू के बराबर है, अगर ऐसा है तो बोथ द आइटरेटर आर इक्वल, अगर नहीं तो बोथ द आइटरेटर आर नॉट इक्वल। आंसर आगे वन टू के बराबर नहीं होता तो आंसर क्या आएगा, बोथ द आइटरेटर आर नॉट इक्वल, ओके। जैसे अगला प्रोग्राम हमारे पास है, इस वाले को स्किप करते हैं, ये वाला आम सा प्रोग्राम है, छोटे बच्चों वाला काम है वाला भी। अब इसमें हमारे पास क्या है, वही वेक्टर बना हुआ है, पांच वैल्यूज है वहाँ पर, 11, 22, 30, 33, 44, इसके अंदर आइटरेटर कितने बने हुए, एक दो तीन, ओके। आपने हमेशा याद रखना आइटरेटर हमेशा वेक्टर का कभी किसी ना किसी एक अनऑर्डर कंटेनर का बनता है, क्या मैं आइटरेटर हमेशा किसका बनता है, किसी ना किसी कंटेनर का, यानी कि एसटीएल कंटेनर का, ऐसे आप कह सकते हो, ओके। वही चीज़ ITI वी डॉट बिगन, ITI जो हमारे पास का हो जाएगा फिर वी डॉट बिगन प्लस वन, ओके। यानी कि इसमें क्या, किसका एड्रेस सेव है, 11 का एड्रेस इसमें सेव है, और इसमें किसका एड्रेस सेव है, 22 का एड्रेस सेव है, ओके। टेम्परेरी का मतलब क्या है, टेम्परेरी का मतलब हमारे पास टाइम एक वेरिएबल आप कह सकते हो, एक आइटरेटर न्यू बनाया हुआ है, इसमें हम ना एक फॉरन आप कह सकते हो फॉरन टेम्परेरी पर्पज, जो ITI के अंदर ना, सॉरी ITI इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन है ना, इसका जो एड्रेस होगा अभी इसके अंदर क्या सेव है, 11 का एड्रेस, बिल्कुल इसके अंदर क्या सेव है, 11 का एड्रेस। अब वही 11 का एड्रेस हमने किसके अंदर सेव कर दिए, इसके अंदर सेव कर दिए, ऐसा क्यों किया, ताकि हम जो है इसको बाद में यूज कर सके बाई यूजिंग ऑफ स्वैपिंग। क्या चीज, स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या है, अगर एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 20 है तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि वैल्यू इंटरचेंजिंग, क्या हो जाएगी इसके अंदर, वैल्यू इंटरचेंजिंग। ये हमारे पास स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, अक्सर ही ये फ्यूचर इस तरह के प्रोग्राम उठा के देते हैं, ओके। अगर आप इसके पास में देखोगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें ITI इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन, इसके अंदर किसका एड्रेस सेव है, 11 का, किसका एड्रेस सेव है, 11 का, और इसके अंदर किसका एड्रेस सेव है, 22 का। हमें कैसा मालूम हुआ, क्योंकि बिगिन से एड्रेस, बिगिन के एड्रेस में प्लस वन करोगे तो सेकंड वाले का एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। 22, 22 का एड्रेस आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर 22 सेव है, हमने जो इसका एड्रेस था टेम्परेरी तौर पर किसमें सेव कर दिया, टेम्प में सेव कर दिया, जो हमने यहाँ पर ऑपरेटर बनाया ये वाला, इसके अंदर सेव कर दिया हमने, ओके। और पर जो ITI था इसके अंदर हमने किसका एड्रेस सेव कर दिया, ITI1 का, ITI1 का, और ITI1 के अंदर किसका एड्रेस सेव कर दिया, टेम्प का, और टेम्प के अंदर किसका एड्रेस था, 11 का। इसकी वजह से हमारे पास दोनों के एड्रेस के वैल्यू इंटरचेंज हुई, यहाँ पर देख रहे हैं ITI के अंदर क्या सेम होगा, 22, और ITI1 के अंदर क्या सेम हो जाएगा, 11। हालांकि अगर आप इसको ना एक चीज़ परफॉर्म करके दिखानी पड़ती है, एक तो मैं कॉपी करता हूँ मैं इसको, ओके, VS कोड में आता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे मैंने कॉपी करके पेस्ट करा ताकि VS कोड ओपन कर लिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे देखें इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 11, जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22, और फिर हमारे पास आएगा 11। क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया, कॉन्सेप्ट स्वैपिंग का, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ कैसे हुआ, हमारे पास अभी इसके अंदर किसका एड्रेस सेव है ये मुझे बताइए आप, जो वहाँ पर वी डॉट बी का ना, यहाँ पर किसका एड्रेस सेव है, इसमें वापस एड्रेस सेव है 11 का,
और इसमें किसका एड्रेस सेव है 22 का। सोलह तो यूनिट चाहिए ना आई टी, आई टी के पास किसका एड्रेस होगा 11 का, और यहाँ पे किसका एड्रेस सेव होगा 22 का। यहाँ पे देखिए सोलह तो यहाँ पे ये था ना, यहाँ पे 11 का एड्रेस सेव है इधर, और यहाँ पर 22 का एड्रेस सेव है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था, इधर 11 और यहाँ पे का एड्रेस प्रिंट होना चाहिए 22, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है 22 फिर 11। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर स्वैपिंग की। ये हमारे पास स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये होगा ये हमारे पास स्वैपिंग का यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें टेम्प के अंदर मैंने क्या सेव कर दिए, 11 वाले का कौन सा, 11 11 का एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ, एड्रेस इसका एड्रेस सेव कर दिए। और फिर आईटी के अंदर क्या सेव हो गया, आईटी के अंदर सेव हो गया 22 का एड्रेस, 22 का एड्रेस। अब हमारे पास टेम्प के अंदर किसका एड्रेस है, टेम्प के अंदर एड्रेस है 11 का, ठीक है। ये हमारे पास होता है स्वैपिंग। हमने पहले जो इसका जो ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू को पहले हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल का सेव कर दिया, फिर उस टेम्परेरी वेरिएबल को हमने बी के अंदर सेव कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, सपोज करें अगर मैं यहाँ पर आई टी वगैरह ना इस्तेमाल करूँ, ठीक है, और मैं आपको एक सिंपल सा समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया टेम्प, मैंने क्या अपने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू रख दी 5, ए की वैल्यू रख दी 5 रख दी, और बी की वैल्यू मैंने क्या रख दी 7 रख दी, सिंपल सा, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्प के अंदर सेव कर दूंगा ए को। टेम्प के अंदर किसकी वैल्यू सेव होगी, ए की। ए किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यानी कि टेम्प के अंदर इस टाइम पर क्या मौजूद है, 5 मौजूद है, ओके। अब मैं बी इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, मैं टेम्प बी इज इक्वल टू, अब ऐसा करते हैं बी के इक्वल टू ए कर दूंगा, मैं बी इक्वल टू ए, या फिर ए, हाँ ठीक है, बी इक्वल टू, या फिर मुझे रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा बी। टेम्प की वैल्यू आप रख दूंगा बी। ऐसा क्यों, क्योंकि अब बी की वैल्यू खत्म हो गई, अब बी की जगह किसकी वैल्यू हो गई है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब टेम्प के अंदर क्या सेव है, 7 सेव है, क्यों, क्योंकि बी किसके बराबर है, 7 से 7 के बराबर है। अब फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी इज इक्वल टू ए। अब ए के अंदर क्या सेव हो गया, एक मिनट को तो ना उल्टा हो गया फिर से, सॉरी माफ कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर टेम्प लिखा है मैंने, टेम्प, ओके, टेम्प इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई, ओके। और फिर हम क्या कर देंगे, सिंपल सा ए के अंदर सेव कर दूंगा बी, ए के अंदर सेव कर दूंगा बी, और फिर बी इक्वल टू ए आ जाएगा, ये हमारे पास होगा। कैसे, अब टेम्प के अंदर क्या सेव है, यहाँ पर 5, टेम्प के अंदर क्या सेव है 5, और बी के अंदर क्या सेव है 7। यानी कि अब हमारे पास ए के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 7 सेव हो जाएगा। और फिर हमने क्या कर दिया, बी इज इक्वल टू यहाँ पर टेम्प आना, सॉरी यहाँ पर टेम्प आएगा। अब टेम्प के अंदर क्या सेव था, 5 था, 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर जो है उसको प्रिंट करूँ मैं ए और बी की वैल्यू, तो अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए की वैल्यू बन जाएगी 7, और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी 5, स्वैप होगी वैल्यूज। ये होता है बस स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी, अच्छा जी, बाकी हमारे पास जो है ना सारा का सारा आप कह सकते हैं लेक्चर 42 हमारा हो चुका है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने वो पढ़े हैं फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शनल, इनपुट आउटपुट, और रैंडम रैंडम ऑपरेटर, ये सारे यहाँ पर बने बनाए आपके बनाए हुए एग्जाम्पल वगैरह की भी आप इनको पढ़ सकते हैं आप, ओके। वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको समझाई हुई, ओके। ये वही प्रोग्राम बना हुआ जो हमने अपने पढ़ा, ओके। अब यहाँ पर देखें जरा हमारे पास जो है ना एक आगे जाकर जो लेक्चर नंबर 41 42 के एंड पे हमारे पास टॉपिक आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से क्या बोल रहा था, एल्गोरिथम से बोल रहा था ऐसे फंक्शन बना देना, जैसे कि अभी ये हमारे पास एक स्वैपिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी स्वैपिंग में एक एल्गोरिथम है, स्वैपिंग में हमारे पास क्या है, एक एल्गोरिथम है, ये हमारे पास हम कहते हैं स्वैपिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ओके। ये हमारे पास क्या एक स्वैपिंग एल्गोरिथम है। अब सी प्लस प्लस ने जब एस टी एल कंटेनर बनाए नए, यानी कि सीक्वेंस रैंडम, और जो हमारे पास एक कंटेनर अडेप्टर होता है, जब वो बनाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, हमें एक एल्गोरिथम प्रोवाइड कर दिया, यानी कि उन्होंने बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड कर दिए, जैसे कि काउंट, काउंट इफ इक्वल, फाइंड, फाइंड इच, फाइंड एंड, फाइंड फर्स्ट ऑफ, एडजेसेंट फाइंड, और वहाँ पर इसके अंदर स्वैपिंग का भी आता है। हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, स्वैपिंग का भी आता है, कॉपी भी आता है। कॉपी से क्या हो, कॉपी से हमारे पास क्या करता है, पूरे के पूरे वेक्टर को कॉपी कर लेगा, वेक्टर को कॉपी करेगा। यहाँ पे लिखेंगे बिगिन एंड, इसका मतलब है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने कॉपी करना, कहाँ से लेकर
कहाँ तक आपने कॉपी करना है, और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट से क्या बना दिया एडिटर, आउटपुट लिखा हुआ, ये देख रहे हैं सी आउट, यहाँ कॉमा लगा दिया। इसका मतलब क्या है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे अरे को, तो सात कॉमा भी आना चाहिए, तो सात क्या आना चाहिए, कॉमा भी आना चाहिए। जैसे किसका आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6, कॉमा आ गया इसके एंड पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा कॉपी भी साथ हो रहा है, किसके अंदर, किसी दूसरे वैक्टर के अंदर। कौन से वाले वैक्टर के अंदर, ये वाले आउटपुट के अंदर, ओके। अच्छा जी, बाकी यहाँ पर लक्ष्य 43 है, लक्ष्य 43 यहाँ पर सारा का सारा हैंडलिंग है, यानी कि एरर हैंडलिंग, क्या हम अपने एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए तो क्या होता है, अब सपोज कर जाए कि मेरे पास कोई एरर आ जाए, यहाँ पर मैं कोई भी सोर्स का प्रोग्राम देख लूँ, तो मैं जैसे मैंने कोई इनपुट वगैरह किया, वो 1 मिनट की तरह प्रोग्राम ढूंढ लूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि ये देखा था मैंने यहाँ पे असाइनमेंट में 2 ढूंढी है CS04 की। अब यहाँ पर देखिए हाउ मैनी आइटम यू वॉन्ट टू एंटर, अगर सपोज करें यहाँ पर मेरे पास इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 4 लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये वापस इंटीजर है, ओके। यहाँ पर एक इंटीजर है, अगर मैं यहाँ पर अल्फाबेट लगा दूँ अंदर, अगर मैं यहाँ पर इसको इंटीजर के बजाय एक स्ट्रिंग या फिर करेक्टर वैल्यू एंटर कर दूँ, तो उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं उसने क्या प्रोग्राम में ख़त्म कर दिया, उसने यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर दिया, प्रोग्राम में ख़त्म कर दिया। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा, तो ऐसा क्यों हुआ। इससे हम कहते हैं एक्सेप्शन, यानी कि हमने जो वैल्यू एंटर करनी थी, यानी कि टीचर वैल्यू एंटर करनी थी, हमने करेक्टर वैल्यू एंटर किया और उसकी वजह से प्रोग्राम एंटर ख़त्म हो गया। अब इससे हम कहते हैं, ये वाले एरर को क्या कहते हैं हम, अबनॉर्मल टर्मिनेशन। यानी कि अब देखा था कोई दूसरी यूजर जिसको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं, अगर वो इंटीजर की जगह कोई भी एक अल्फाबेट एंटर कर देगा, तो उसको समझ ही नहीं आना कि ये प्रोग्राम एंड क्यों हो गया, प्रोग्राम ख़त्म क्यों हो गया, ये सॉफ्टवेयर बंद क्यों हो गया ऑटोमेटिकली, ओके। इस वजह से हम इसको कहते हैं अबनॉर्मल एक्सेप्शन। अब इसको हैंडल करने के लिए ना हम इस्तेमाल करते हैं जेनेरिक टर्मिनेटर। सबसे तो देख लेते हैं किस किस टाइप के हमारे पास जो है ना एरर क्रिएट होते हैं। एक होता है अबनॉर्मल, यानी कि हमें मालूम नहीं होता कि यहाँ पे खत्म क्यों हो गया। एक होता है ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ग्रेसफुल टर्मिनेशन क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ पर चेकिंग लगाते हैं, चेक क्या करते हैं, क्या हमारे पास जो, यानी कि यूज़र को बता देते हैं हम यहाँ पर जो है ना, सपोज करें अगर हमारे पास आइटम नंबर यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर सीन लिखा हुआ होगा, 1 मिनट का आपको दिखा दो कैसे करेंगे इसमें, सीन 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 1 मिनट आपको दिखा दो यहाँ पर कैसे करेंगे काम इसके अंदर, जो ग्रेसफुल होते हैं ना वो कैसे हम इसके अंदर एंटर करते हैं, ये रहा। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ, मैं यहाँ पर चेक कर दूंगा इफ, ओके। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है इंटीजर np, अगर हम यहाँ पर जो है चेकिंग कर लेते हैं अल्फाबेट कैसे चेक करते हैं, चेक इफ डाटा टाइप इज इंटीजर, इंटीजर इन C++। सिंपल सा, सिंपल सी बात है, अगर किसी किसी को याद नहीं होता, सिंपल आप सर्च करें आपको मालूम हो जाएगा। टाइप आईडी वेरिएबल नाम देंगे, सी प्रो चेक इफ इनपुट इज इंटीजर और स्ट्रिंग। ये स्टैक ओवरफ्लो में क्यूरा में भी आप देख सकते हैं, क्यूरा में भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है। सेम आपको सारा भी सब चेक नंबर का फंक्शन का बनाया हमने जीरो स्ट्रिंग चेक इफ नंबर इज स्ट्रिंग, देन इंटीजर एल्स में स्ट्रिंग, ओके हो गया। ये भी अपना फंक्शन है, ऐसे यहाँ से बस कॉपी करूँगा सिंपल सा, मैं यहाँ पे रख बनाए तो इससे बाहर, ओके। अब यहाँ पर जो है ना इसको एंटर कर दूंगा मैं सिंपल सा, ओके। ये बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ पर टीचर, जिसके अंदर मैं पास कर दूंगा कौन से वैल्यू, नाम आइटम, ओके। और जो हमारे पास ये है, ये चीज़ यहाँ से कट करूँगा मैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं, सॉरी कट, और यहाँ पे कुछ पेस्ट कर दूंगा सिंपल। इसका मुझे एक और सोल्यूशन मिला, यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग ले रहा है, सो ठीक करने का मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे इसको भी यहाँ पर स्ट्रिंग करना पड़ेगा, तो फिर ये ठीक होगा। और मैं यहाँ पर करना नहीं चाह रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके इंटीजर ही करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर ख़त्म करूँगा सिंपल सा, और इस वाले को यहाँ पर भी ख़त्म कर दूंगा इसको, ये मैंने यहाँ से कोड कॉपी की यहाँ पर दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे बस सारा वैसे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास नाम आइटम्स है,
आगे क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू दिस वन का ऐसा है, क्या पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके और क्या है वो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, यही आता है। ओके तो फिर अब क्या करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगी। यहाँ पे सी आउट पे एरर क्यों आ रहा है, एरर टाइप सी आउट इज एम्बिगुअस, ठीक तो है, मसला क्या है, ऐसे मसला आ रहा है, वहाँ पर ये ब्रैकेट आ रही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ओके बैटरी खत्म करोगे वहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एंटर नंबर इज इंटीजर, अगर हमारे पास ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, अगला प्रोग्राम सारा का सारा चल जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से पूरा कट करना पड़ेगा इसको, इसको यहाँ से कट करके एंटर नंबर इज इंटीजर, और फिर मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा इधर चेकिंग में, एल्स क्या कहूँगा, एंटर नंबर इज नॉट टेन, इज नॉट अ नंबर। यहाँ पर उसको बताने के लिए ना, यूज़र को बताने के लिए काइंडली ओके सिंपल से हम चेक करते हैं। अब इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा मैं, अब यहाँ पर देखिएगा कि कैसे होता है हमारे पास प्रोग्राम, या तो आ रहा है या तो वापस चल पड़ेगा, कोई ना आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए लिखूँगा मैं वापस आगे, ओके डेटा परसेंट टीचर चल पड़ा ही, तो हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये टीचर ना, हमने इसके जब एक अंदर को अंदर इनपुट दिया इसको, ए वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आस्की कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ओके तब ये मसला आ रहा है, एक मिनट तब इसका मसला, अभी इसका मसला हल हो जाए। ठीक है यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, मैं ना यहाँ पर लेता हूँ इसको, मैं कन्वर्ट करता हूँ इसके अंदर, अगर हमारे पास यानी कि मैं करूँ टाइप कास्टिंग, इसका जो इंटीजर वैल्यू इस तरह है तो ठीक है, वरना भाई साहब हमारे पास यार क्रिएट करेगा। चेक करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ओके ओके अभी उससे मेरा आ रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने ना इसका सोल्यूशन निकाला, मुझे एक फंक्शन मिला है मुझे यहाँ पर, वो है सी आई एन डॉट फेल, मैंने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर से लगाया ताकि वहाँ पे ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा। ठीक है यहाँ पर चेक कीजिएगा, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना, हमारे पास क्या आएगा उसका आउटपुट, हाउ मेनी आइटम यू वॉन्ट टू एंटर पर सबसे पहले लिखा आएगा, ओके अगर मैं यहाँ पर ए लिखा है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं आगे एन वॉलेट इनपुट प्लीज एंटर एन टीचर काइंडली एंटर नंबर। ओके ये वापस आगे, इससे हम कहते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन, यानी कि अगले बच्चों को बताना भाई ये एरर, ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर बंद क्यों हुआ है। ओके इससे हम कहते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ओके ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर सिंपल देखा सी आई एन डॉट फेल, अगर ये हमारे पास क्या होगा ट्रू है तो यहाँ पर नो डॉट प्रेस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये कहाँ चले जाएगा, एल्स में चले जाएगा, एल्स में हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि मैंने नेट से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था याद करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको समझे है, बस आपको समझ आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, नेट के अंदर हर चीज़ मौजूद है, आप वहाँ से कॉपी करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके चलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बेशक आप उनको रटा लगाएं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको समझें। आगे यहाँ पर एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, यहाँ से इसके अंदर पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं टॉपिक है, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। ओके एक्सेप्शन हैंडलिंग भी उसे कहते हैं। अब एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट आ गया तो हमारे पास जो है ना ये एक एरर थ्रो करेगा, क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। अगर आप हैंडआउट्स में जाएंगे आपको उसके पूरे एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखें एंटर टू इंटीजर, तो बता देगा अभी कि ये नीचे जो है वापस जीरो नहीं आ सकता। देखा सेम एट इज अपर रिटर्न कोड बता देगा कि आपको कौन सा रिटर्न कोड आ रहा है आउटपुट के अंदर। ओके देखें अच्छा जी आगे हमारे पास जो एरर हैंडलिंग के इशू क्या हो सकते हैं, इशू इन एरर हैंडलिंग यानी कि प्रोग्राम समटाइम्स हैज टू चेंज द डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट एरर हैंडलिंग, जाहिर बात है समटाइम्स हमें करना पड़ता है चेंज, जैसे कि आप जो है ना किसी वेबसाइट में चले, किसी भी वेबसाइट में चले जाए आपको वहाँ पर 404 एरर आया था कभी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख भी लूँ ऐसा करके, यानी कि इसको मैंने ऐसा करके एंटर किया तो यहाँ पे मुझे कहीं पर एड देगा नॉट फाउंड। ये नॉट फाउंड का मतलब क्या है, ये नॉट फाउंड कह रहा है भाई कि हमारे पास जो है ना इस टाइप का पेज एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये एक बैकएंड के अंदर एक्सेप्शन पे करा है, बैकएंड में यहाँ पर से एक्सेप्शन आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना सॉरी नेटवर्क में जाओ, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल पर स्टार्ट करूँ मैं,
यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ एरर क्या होंगे वो स्टार करके हो जाएंगे, 404 का एरर देते होते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये क्यों देते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा आगे, ये कह रहे हैं नो सच डेफिनेशन एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑकर्ड। ओके, इसका मतलब क्या है वो देख रहे हैं, योर रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट, प्लीज चेक द रिक्वेस्ट यूआरएल और न यूआरएल बार, यानी कि उनको पता चल गया कि यहाँ पे यूआरएल के अंदर मसला है, तभी वहाँ पे एरर आया। क्लियर हो गया, 404 का मतलब नॉट फाउंड होता है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर डिजाइन शो हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। आगे हमारे पास क्या है, एक एरर हैंडलिंग का एक और कंडीशन होती है, फंक्शन के साथ काम करना, यानी कि हमने क्या कर दिया, चेकिंग के एरर में वैलिडेशन के हमने फंक्शन बना दिया और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो ना आप कह सकते हैं एक नया फंक्शन है, वो उसे हम कहते हैं ट्राई कैच, ट्राई और कैच। ओके, लेक्चर में 44 में हमें इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे ट्राई कैच में। ट्राई कैच क्या करता है हमारे पास, अगर आपको बताऊँ दिखाऊँ यहाँ पर, ट्राई कैच यहाँ पर जो हमारे पास जावटी पॉइंट में, ट्राई का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा डू वाइल होता है, डू वाइल, डू वाइल क्या करता है, डू में एक मतलब कोड एग्जीक्यूट हुआ, वाइल में कंडीशन चेक होगी। ट्राई कैच में भी ऐसे ही है, ट्राई कैच में हमारे पास चेक करेगा, सबसे पहले ट्राई चलेगा, अगर ये हमारे पास कोड चला गया, अगर ये कोड चल गया ठीक है, अगर नहीं चला तो ये हमारे पास क्या कर लेगा, एरर को कैच कर लेगा, और हम एरर को अपनी मर्जी से भी आउटपुट में शो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएगा फ्लोट डिवीजन इंट एक्स इंट वाई, अगर वाई की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो क्या करेगा, थ्रो करेगा, हम इस्तेमाल करेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होगा, ये एरर थ्रो कर देगा, एरर क्या करेगा, थ्रो करेगा अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, ये हम आपको खुद ले सकते हैं स्टेटमेंट। ओके, थ्रो के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो जब थ्रो का एक्टिवेट होगा जब इसके अंदर कोई ना कोई एरर आएगा। ओके, जैसे कि अगर मैं कोड कॉपी करूँ पूरा का पूरा, ये कोड अगर मैं पूरा का पूरा से कॉपी कर लिया, मेरे यहाँ पे आ जाता हूँ वीएस कोड में, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सॉरी इसमें जाता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ मैं उसको। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको सपोज करें यहाँ पे मैं ट्राई कैच इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पर ट्राई कैच इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिंपल सा मैं क्या करूँ यहाँ पर इसका करके लिख लूँ मैं इसको, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिख दिया। ओके, ट्राई कैच की जगह इसको मैं कमेंट करता हूँ, और फिर सिंपल सा इतने पोर्शन का सा कॉपी करूँगा, कॉपी इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बस मैं ऐसा करके, सॉरी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पर एरर क्या आता है। अरे 11 बजे यहाँ पे देखिए बाहर कुछ भी हो आप कह सकते हैं आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारे पास 0 पे डिवाइड कुछ भी नहीं होता, 0 पे कुछ भी डिवाइड होता है तो इन्फिनिटी होता है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा इसका आउटपुट, इसका आंसर क्या आना है। अगर मैं इसे कैलकुलेटर में भी करूँ, अगर मैं क्या करूँ कैलकुलेटर में भी करूँ, यानी कि 25 डिवाइड बाय 0 तो आंसर क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय 0। क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग लगाई हुई है, एरर हैंडलिंग के ये ट्राई कैच मिला। ट्राई कैच क्या करता है हमारे पास, ऑटोमेटिकली यूजर को बता सकते हैं ये प्रोग्राम चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोग्राम चल रहा है, हम उसको बता सकते हैं प्रोग्राम, यानी कि यूजर को बता सकते हैं भी आप जो है ये चीज़ यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपने इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोग्राम चल नहीं पा रहा है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0। ओके, अच्छा जी, तो ये होता है हमारे पास ट्राई कैच का। आगे हमारे पास स्टैक एंड वाइडिंग, स्टैक एंड वाइडिंग भी यहाँ पर दिया, तो ट्राई कैच करते एक और ट्राई कैच लगा दो, वो डिपेंड करता है आप जो है किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह वर्किंग नहीं कर रहे। ओके, ये बस आप कह रहे हैं नेस्टिंग ट्राई कैच क्या होता है, नेस्टिंग ट्राई कैच का फायदा क्या होता है, इससे वापस कभी भी मस्त हो जाता है। ट्राई कैच आपने हमेशा याद रखना है एक ही बार लगाएं, ट्राई कैच हमेशा याद रखना है आपने एक ही मतलब लगाएं, ये नहीं करना कभी आप यहाँ पर भी लिख दिया कुछ दोबारा लिख दिया, पर ट्राई इसका अगर एक कोड लिख दिया इसके अंदर, फिर आपने इसके अंदर एक कोड लिख दिया, आपने फिर इसके अंदर एक कोड लिख दिया, तो इस तरह कभी बार ना मसला हो जाता है, इस तरह कभी बार मसला, लेकिन ये एक अच्छा तरीका होता है वैसे, जैसे कि आप ये इस टाइम पर इस्तेमाल करते जब आप जो है ना काफ़ी ऐसे कम्प्लेक्स कोड कर, जैसे कि ये ट्राई कैच किसी और के लिए, 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 ठीक है। अगर आपने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि इसके अंदर आप इस्तेमाल करें इफ एल्स, ट्राई कैच या एक मतलब आपने ट्राई कैच लिख दिया, एक मतलब आपने ट्राई कैच लिख दिया। ओके, हाँ ठीक है, एक ही मतलब आप ट्राई कैच लिख देंगे ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाएगा, एक ही मतलब अगर ट्राई कैच देख लीजिएगा ना तो ज़्यादा प्रेफर, ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा, बनिस्बत अगर आप जो है इसके अंदर बार बार ट्राई कैच लिखने स्टार्ट करके, यानी कि बार बार इसका ट्राई कर लेते हैं, उससे क्या होता है कंपाइलर भी पागल होता है भाई, एक बंदा कर कर रहा है ट्राई कर लिखिए आ रहा, उसे समझ ही नहीं आता कि किसका एरर है किसका एरर नहीं है। ठीक है,
तो कोशिश कीजिएगा कि आपने अगर ट्राई का इस्तेमाल करना है तो आप बाहर एक मरतबा लिख दें, अंदर पर जो मर्जी आप गंदमला मार फिर मारते रहें आप। ओके अच्छा जी, ये वो चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा। अब आगे हमारे पास जो है ना इसके अंदर लेक्चर नंबर 45 है। लेक्चर नंबर 45 में आप बता रहे रिसोर्सेज मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, वही चीज़ ट्राई कैच के अंदर वहाँ पर जो उसके जो फंक्शंस होते हैं, ट्राई कैच के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर ट्राई बना हुआ है यहाँ पर फंक्शन के अंदर। ओके अब यहाँ पे क्या करें, एक फाइल क्रिएट करें। फाइल के अंदर आपको जैसे कि फाइल हैंडल CS201 के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा कि कैसे इसके अंदर हैंडलिंग करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो सिंपल सा आप जाए जावा डी पॉइंट के अंदर, यहाँ पर आपको फाइल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फाइल हैंडलिंग मिल जाएगा, पूरा पूरा टॉपिक फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंड ये रहा, फाइल एंड स्ट्रीम ये रहा। ओके आप यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कि एफ स्ट्रीम क्या होता है, आई एफ स्ट्रीम क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम क्या होता है। साथ साथ परफॉर्मिंग में बता दें कि कहाँ पर फाइल बन रही है, कहाँ पर फाइल नहीं बन रही, डिलीट कैसे करनी है, डिलीट के ओवर राइट कैसे करनी है। ओके ये पूरा का पूरा आपको फाइल हैंडलिंग यहाँ से समझा सकता है। अगर आपको नहीं मालूम आप डायरेक्ट यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा रिसोर्स के जरिए आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा दूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, वैसे भी CS201 का टॉपिक है, ये हमारे पास CS304 का टॉपिक नहीं है। ओके अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये ट्राई यहाँ पर कैच हो गया। अगर हमारे पास कोई फाइल क्रिएशन के बाद अगर कोई एरर आ गया तो उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर एफ क्लोज कर देगा, यहाँ पर थ्रो एरर कर देगा। सेम ऐसे सेकेंड अटैम्प्ट होगा, सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको वही चीज़ ट्राई कैच हो रहा है यहाँ पर, ट्राई कैच करके यहाँ पर शो कर देगा कुछ भी नहीं। ठीक है तो ये हमारे पास लेक्चर 45, 44 और 43, 42 था हमारे पास, इसमें आप 42 से लेकर सॉरी 43, 44, 45 तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस है। ये हमारे पास यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कोर्स ओवरव्यू आ जाएगा कि जो हमने CA304 के अंदर पढ़ा है, यहाँ से सारा हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर सब चीज़ें पढ़ी है सर, और भी चीज़ें पढ़े, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा मेंबर, मेंबर एसेस मॉडिफायर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, आपको मैंने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, विजुअल फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म फुल डीप लेंथ तक पढ़ाएं ताकि आपको समझ आ सके कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर आपको मेरे सारे के सारे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल अच्छे लगे हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ जो आपके जूनियर्स होंगे इस बार, आप उनके साथ लाजमी शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर पहुँचते रहें। ओके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ओके अल्लाह हाफिज़।